अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलब बिन असलम। एक सवाल जो अक्सर पेशेंट की तरफ से आता है वो ये कि कितने अरसे बाद डेंटिस्ट को या डेंटल सर्जन को विज़िट करना चाहिए जनरल चेकअप के लिए। ये वो चेकअप है जिसमें कोई प्रॉब्लम उनको फेस वो नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम है तो फिर वो तो अर्ली जिस टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उस टाइम पे विज़िट होता है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी एक जनरल चेकअप या जनरल विज़िट जो है वो कितने अरसे बाद जो है वो ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये है कि इसका कोई इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस एज सच नहीं है। मुख्तलिफ रिसर्च इसके ऊपर ज़रूर हुई हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं कि जी एवरी सिक्स मंथ्स बाद चेकअप हो जाना चाहिए, कुछ साल, और बाज़ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 2 साल तक भी उसको डिले किया जा सकता है जनरल चेकअप को। ये इतना बड़ा जो फिगर है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक, ये अमूमी तौर पर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स का एक तो जनरल मेडिकल कंडीशन कैसी है और डेंटल कंडीशन कैसी है। मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ हैं या कोई और मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनमें थोड़ा सा अर्ली विजिट्स ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें गम्स डिजीज़ेस और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी डेवलप्ड होते हैं। इसी तरीके से खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनके अंदर, उसकी वजह से जो है बाज़ोकात जल्दी विज़िट कर लेना चाहिए। लेकिन फिर अच्छा, कुछ डेंटल की कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे आगे पीछे अगर दांत हैं जिनको क्लीन करना जो है वो मुश्किल होता है, ऐसी सूरत में भी थोड़ा सा जल्दी विज़िट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर जो ओरल हाइजीन अच्छी है, बहुत अच्छा जो है उसको डेंटल कंडीशंस को या डेंटल उसको जो ओरल हेल्थ है उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है तो इसको बहरहाल डिले किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी फिगर है, डिफरेंट फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स, ये बाज़ औक़ात इसको भी कहते हैं कि इसको भी मज़ीद डिले किया जा सकता है। तो कोई एग्जैक्ट इसकी फिगर नहीं है, लेकिन डेंटिस्ट के पास विज़िट्स उस वक्त जब प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती, जब पेशेंट फील नहीं करता, उस वक्त ज़रूरी है। इसकी 2 वजूहात हैं बेसिकली, 2 चीज़ों को इन जनरल चेकअप के अंदर चेक किया जाता है। पहला तो ये कि जो कैरीज़ हैं, ये कैविटी है दांतों में जो कैविटी बन जाती है, ये जब शुरू के स्टेजेस होते हैं, शुरू का जो कैविटी होती है तो उसमें पेशेंट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, खाने पीने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कैविटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जाती है, दांत अंदर से खोखला होता चला जाता है और फिर एक स्टेज आता है जब शदीद किस्म का या तो पेन होता है या फिर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सूरत में दांत का जो ट्रीटमेंट, जो पहले अगर शुरू में उसको डिटेक्ट करके सिंपल फिलिंग की जा सकती थी, क्योंकि अर्ली अगर कैविटी होती है या अर्ली स्टेजेस के अंदर होता है तो उसको हल्का सा क्लीन करके उसको फिल किया जा सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फिर उसमें फिर रूट केनाल ट्रीटमेंट या RCT करनी पड़ती है, या बाज़ औक़ात बाज़ केसेस के अंदर उस दांत को अगर सेव करना मुश्किल हो तो दांत को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम तक इससे पहले पहुंचा जाए, शुरू के स्टेज में कहा जाता है कि आ जाएं और उसको जो कैविटी है उसको उसी वक्त क्लीन करके एक सिंपल सी फिलिंग होती है वो उसको करवा लिया जाए। एक तो ये प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा, जो दांतों पे जो टार्टर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो हार्ड डिपॉजिट्स येलो कलर के दांतों पे होते हैं, स्पेशली जो नीचे के दांत हैं आगे के, उसमें ये डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें भी जनरली पेशेंट को कोई एज सच कंप्लेन नहीं होती है, सिवाय इसके कि थोड़े से उसको येलो सामने वाले को नज़र आते हैं कि जी येलो कुछ दांत हो गए, या फिर ओकेजनली कभी कभार जो है वो मसूड़ों से खून आने की भी शिकायत हो सकती है। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है होती कि डॉक्टर के पास जाकर के उससे जो है मशवरा लिया जाए कि क्या उसका हाल है। इस वजह से पेशेंट्स जो हैं बहुत अरसे तक इसको जो है इन प्रॉब्लम्स को लेकर के चल रहे होते हैं, किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता, खाने पीने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्टीमेटली होता ही है कि वो जो टार्टर है जो दांतों पे लगा हुआ होता है, जो हार्ड डिपॉजिट स्टार्टर की सूरत में लगे हुए होते हैं, वो गम्स को वीक करते चले जाते हैं और गम्स और उसके नीचे जो बोन होती है जिसमें दांत फिक्स होता है उस बोन को वो कमज़ोर करते चले जाते हैं। और होता ये है कि कई सालों बाद वो जब जाकर के बोन इस हद तक कमज़ोर हो जाती है तो फिर ऊपर से जो दांत है वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा दांत हिल रहा हो तो फिर अल्टीमेटली उस दांत को जो है वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो फिर निकालना होता है। तो इससे पहले कि वो उस सूरत के अंदर जाए जब वो बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाए और उसकी रूट्स जो हैं दांतों की वो एक्सपोज हो जाएँ, वो नज़र आना शुरू हो जाएँ,
अर्ली पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि वो अगर ज़रूरत पड़ती है उसके, अगर डॉक्टर फील करता है कि जी टार्टर डिपॉजिट्स हैं तो उसको उसी वक्त क्लीन कर लिया जाए, बजाय इसके कि वो उस कंडीशन के अंदर वो पहुँचे कि वो दांत के जो सराउंडिंग के जो गम्स हैं और बोन को वीक करें, उसको अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली उसको क्लीन कर लिया जाए। अच्छा, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप जाएं डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो कहेंगे जी ये 4-5 दांतों के अंदर कैविटी बनी है, इसको सबको फिल करना पड़ेगा, और या फिर ये कि जी हर दफ़ा आप जब जा रहे हो तो फिर वो हर दफ़ा क्लीनिंग का मशवरा दे रहे हो कि जी आपको हर दफ़ा जा कर के क्लीन करवाना है। अगर जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा स्वीट फूड नहीं खाते या बहुत ज़्यादा कोई मीठी चीज़ें उस खाने पीने के अंदर नहीं है तो कैविटीज़ बनने के जो अमल है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। इसी तरीके से अगर दांतों की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है तो फिर उसमें हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाकर के जो स्केलिंग या क्लीनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसको करवाना भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप जाएँ और हर दफ़ा जो है आपको मल्टीपल कैविटीज़ डिटेक्ट हों और टार्टर डिटेक्ट हो, स्केलिंग भी हो रही है और वो भी हो रही है, फिर अगली दफ़ा जाएं और फिर यही कहानी हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में मशवरा करें कि क्लीनिंग प्रॉपरली आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। तो विजिट्स बहरहाल बेहतर हैं कि एक सर्टेन पीरियड बाद, सर्टेन पीरियड कितना होना चाहिए ये आपका डॉक्टर जो है वो बेहतर बता सकता है आपकी जो जनरल कंडीशन है उसको देखते हुए, लेकिन एक विजिट्स बेहतर है कि वो हो जाए जनरल चेकअप जिसके अंदर हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ट्रीटमेंट जो है वो शामिल हो, लेकिन एक जनरल चेकअप जो है वो होना ज़रूरी है। यहाँ पर शायद बाज़ लोग जो हैं वो उनके जहन में ये सवाल पैदा हो कि जी ये डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी इनकम के चक्कर में जो है वो जनरल विजिट्स जो हैं वो ज़्यादा करवाते हैं। ऐसा नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम ये, आप जा कर के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाके चेकअप करवा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके चेकअप करवा सकते हैं, या फ्री कैंप्स जो लगते हैं वहाँ पर भी जा कर के चेकअप करवाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत किसी स्पेशलिस्ट के पास जा कर के आप जा कर के चेकअप करवाएँ, जनरल चेकअप किसी के पास भी हो सकता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। तो ना ये ज़रूरी है कि हर चेकअप के अंदर आपके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, ना ये ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट पे करके या उसका अमाउंट पे करके उसको जनरल चेकअप करवाया जाए। अहम चीज़ ये है कि एक चेकअप हो जाए कि जी एवरीथिंग इज़ गुड, सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, ओके ठीक है। नेक्स्ट चेकअप कब किया जा सकता है, साल में, डेढ़ साल में, कब, उस टाइम पर जा कर के, उस टाइम पीरियड के बाद जा कर के एक और चेकअप करवा लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर फर्दर कोई सवाल है तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद आंसर जो है उसका कर दूं। अपना और अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।